नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी दरगाह न्यूज। मैं हूं आपके साथ गिरीश मानव। आइए आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में बनी कोऑर्डिनेशन कमेटी अपने पहले ही प्रयास में विफल साबित हुई है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की सोच थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा वरिष्ठ नेता है, राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी है, इसलिए विभिन्न गुटों में बटी कांग्रेस को साधने व उनके बीच सामंजस्य बैठाने में हुड्डा कामयाब हो जाएंगे। लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने हरियाणा के प्रभारी गुलाम नबी आजाद की नाराजगी की परवाह किए बिना अपने तेवर साफ कर दिए हैं। ज्ञात रहे कि कुलदीप ना तो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में शामिल हुए और न ही परिवर्तन बस यात्रा की बस में चढ़ना मंजूर किया। और तो और, कुलदीप बिश्नोई ने यह साफ कर दिया कि उन्हें हुड्डा का नेतृत्व ही स्वीकार नहीं है। जाहिर तौर पर कुलदीप बिश्नोई उन जख्मों को हरा रखना चाहते हैं जो 2005 में हुड्डा द्वारा उनके पिता भजन लाल को दिए गए थे। याद रहे कि 2005 में भजन लाल हरियाणा कांग्रेस के प्रधान पद पर थे और उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने इनेलो को हरा कर जबरदस्त बहुमत हासिल किया था। लेकिन मुख्यमंत्री की शपथ भजन लाल की बजाय भूपेंद्र हुड्डा को दिला दी गई थी, जबकि भूपेंद्र हुड्डा उस दौरान सांसद थे। उसी दर्द के कारण कुलदीप बिश्नोई ने हजका के नाम से पार्टी बना ली थी, लेकिन बाद में बीएसपी व भाजपा से निराश होकर कुलदीप ने फिर से कांग्रेस में वापसी कर ली थी। अब क्योंकि 2019 में ही विधानसभा चुनाव होने प्रस्तावित है, इसलिए कुलदीप बिश्नोई आर पार की लड़ाई अभी लड़ लेना चाहते हैं। कदाचित कुलदीप बिश्नोई कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहेंगे। सिटी तहलका ब्यूरो रिपोर्ट। मंगलवार को कांग्रेस पार्टी ने पहल करते हुए 17वीं लोकसभा के चुनाव के लिए देश के मतदाताओं से वायदा करते हुए चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर उनके साथ पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह व उनकी माता श्रीमती सोनिया गांधी उपस्थित रही। चुनावी घोषणा पत्र में उन्होंने न्याय योजना के तहत 20% गरीब परिवारों को 72,000 रुपए सालाना देने, मार्च 2020 तक 20 लाख सरकारी नौकरियां व ग्राम पंचायतों में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का वायदा किया। इसके अलावा सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों के नेटवर्क से हर नागरिक के मुफ्त जांच और अस्पताल के निशुल्क भर्ती की गारंटी, महिलाओं को लोकसभा और राज्यसभा में 33% आरक्षण देने की घोषणा की। घोषणा पत्र में अब बिजनेस के लिए किसी इजाजत की जरूरत नहीं पड़ेगी। मनरेगा के तहत 150 दिन रोजगार की गारंटी देते हुए जीडीपी का 6% पैसा शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग करने का वचन किया। यही नहीं, कर्ज न चुका पाने वाले किसानों पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलेगा। रेलवे की तरह किसानों के लिए अलग बजट का प्रावधान होगा। शहीद परिवारों के बच्चों की शिक्षा के लिए धन और अन्य सदस्यों को सरकारी नौकरी और मुआवजा दिया जाएगा। जीएसटी को आदर्श व सरल बनाया जाएगा। सशस्त्र बलों को आधुनिक किया जाएगा। अनुसूचित जनजाति के अधिकारों के लिए अधिनियम लागू करने, महिलाओं एवं अल्पसंख्यकों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को रोकने का वायदा किया गया। आतंकी धमकी के मद्देनजर हरियाणा, पंजाब व बिहार जैसे राज्यों में हाई अलर्ट के चलते पानीपत रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा उपायों में लापरवाही बरते जाने का समाचार चर्चा का विषय बना हुआ है। ज्ञात रहे कि अंबाला छावनी के कंट्रोल रूम के हेल्पलाइन नंबर किसी अज्ञात फोनकर्ता ने स्वयं को अलकायदा के खुकार सरगना रहे लादेन का संबंधी बताते हुए रेलवे स्टेशन उड़ा देने की धमकी दी थी, जिसके चलते देश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन हैरानी की बात है कि पानीपत रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा इंतजाम ठंडे पड़े नजर आए हैं। मुसाफिर बेरोकटोक बाहर भीतर जा रहे हैं। हालांकि जीआरपी व आरपीएफ के इंचार्ज ने हाई अलर्ट की घटना की पुष्टि की। कल दिनांक 1/4/19 को लादेन के छोटे भाई की तरफ से एक मैसेज आया हुआ है जलंधर, अमृतसर, अम्बाला स्टेशन को बम से उड़ाने के लिए। उस संबंध में एसपी रेलवे की तरफ से हमारे को इंस्ट्रक्शन है भाई, हाई अलर्ट जो है ड्यूटियों के बारे में और सिक्योरिटी पर्पज से बिल्कुल किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना हो। किसान यूनियन के बैनर तले लघु सचिवालय में किसानों ने धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को दोहराया। आक्रोश जताते हुए कहा कि इकबालपुर सुगन मिल उत्तराखंड में पानीपत के किसानों के 36 करोड़, वहीं शहजादपुर सुगन मिल अम्बाला में किसानों के 128 करोड़ रुपए की पेमेंट बकाया है, जिसका भुगतान अतिशीघ्र करवाया जाए। साथ ही उनकी यह मांग कि गुहाना सुगर मिल में गन्ने की पेमेंट 340 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से की जा रही है, जबकि पानीपत में यह पेमेंट 330 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से की जा रही है। किसानों की मांग है कि गुहाना की तर्ज पर गन्ने की पेमेंट का भुगतान 340 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से लागू किया जाए।
स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी लागू की जाए और साथ ही किसानों को कर्ज मुक्त बनाया जाए। किसान यूनियन ने बाद में पानीपत के उपायुक्त को मांग पत्र भी सौंपा। आज का जो हमारा आयोजन है, किसानों की काफी समय से लंबित मांगे हैं जो सरकार आनाकानी करती है बार बार। मुख्य रूप से 2018 में सरकार ने वादा किया था कि बिजली कनेक्शन आपके चालू कर दिए जाएंगे, उसमें सस्ते थोपने का काम सरकार ने किया है। करीब 36 करोड़ रुपए से ज़्यादा का गन्ने का बकाया 2017-18 का अभी हमारा लंबित है, जो सरकार देना शुगर मिल देना नहीं चाहते। हमारी मांग है सरकार से कि उसको तुरंत दिलवाया जाए, स्वामीनाथन के आयोग को रिपोर्ट को लागू किया जाए। पानीपत के तहसील कैंप इंदिरा कॉलोनी निवासियों ने मंगलवार को उपायुक्त कार्यालय में ज्ञापन देकर शराब का ठेका हटाने की मांग की। क्षेत्र के सभी दुकानदारों व मोहल्ला वासियों ने कहा कि बस्ती के बीच में शराब का ठेका होने के चलते महिलाओं व बच्चों का शराब के ठेके के सामने से गुजरना दुश्वार हो गया है। हर व्यक्ति शराबी और आवारा किस्म के लोग शराब के नशे के क्षेत्र में मंडराते रहते हैं। उन्होंने मांग की है कि शराब के ठेकों को अविलंब यहाँ से हटाया जाए। मैं तहसील कैंप पानीपत इंदिरा कॉलोनी से, हमारी वहाँ पे दुकान है, दुकान के साथ और गुरुद्वारा भी है, गुरुद्वारे के बिल्कुल ही साथ में शराब का ठेका खुला हुआ है, जिससे वहाँ पे आने जाने वाली संगत और जो मार्केट के लोग हैं उनको तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। रात को वहाँ पे मीट की शराब पीते हैं, पेशाब भी करते हैं लोग वहाँ पे जाके, वहाँ से हमारी स्त्रियाँ नहीं निकल पाती सब्जी लेने के लिए। पानीपत के ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी महिला वीना चावला के साथ चार ठगों ने बेहोश करके लगभग 5 तोले के कंगन निकाल लिए। महिला वीना चावला अपने घर से शुगर चेक कराने के लिए पैदल जैसे ही बाल निकेतन स्कूल के पास पहुंची तो दो युवकों ने उन्हें बातों में उलझा लिया और जबरन महिला के हाथ में एक कागज थमा दिया। जैसे ही कागज को महिला ने छुआ तो वह बेहोश हो गई। इसका फायदा उठाते हुए दो ठगों ने जबरन महिला के हाथ से सोने के कंगन निकाल लिए। अर्ध बेहोशी की हालत में महिला चिल्लाने लगे कि मेरे कंगन निकाल लिए हैं। इतने में दो युवक वहां आए और महिला को अपनी बाइक पर बिठाया और देवी मंदिर की तरफ ले गए। वह उन्हें कुछ मिनट तक बातों में लगा कर रखा। इतने में महिला अपना होश खो बैठी। जैसे ही महिला बेहोश हुई वे दोनों बाइक सवार भी वहां से चंपत हो गए। बाद में पुलिस चौकी को फोन लगाया गया। पुलिस ने मौके का दौरा करके सीसीटीवी फुटेज निकलवाई जिसमें दो व्यक्ति बाइक पर महिला को बैठाकर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। याद रहे कि महिला के पति मनोहर लाल चावला का सुभाष बाजार में बीज का व्यापार है। इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। याद रहे कि करीब 6 महीने पहले भी इसी एरिया में एक महिला के साथ भी इसी प्रकार की लूट की गई थी। शुगर चेक कराने गई थी, वहीं पे 11:15 थी कराने गई तो आगे कोई खड़े थे पहले, ये तो पता नहीं मेरे को, और बस अचानक उन्होंने घेर लिया, कोई टोकन पकड़ाने लगे, मैंने टोकन जबरदस्ती उन्होंने पकड़ा दिया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर कहते, मैंने कहा मैंने जाना है शुगर चेक कराने, बहुत देर हो रही है, डॉक्टर खड़ा होकर चला जाएगा। उन्होंने कहा नहीं रुको 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 नहीं रुको, इतने तरह करते 5-10 मिनट जरूर खड़े हो गए। अच्छा, फिर उसके बाद क्या? उसके बाद वो टोकन पकड़ाए, चूड़ियाँ उतारने लग गए, ये चूड़ियाँ दो, मैं उतारती नहीं थी, उन्होंने फिर खींच के उतारी, मेरे हाथ में दर्द भी होने लगा। कितनी चूड़ियाँ थी? दो इधर थी, 4 थी। कितने तोले की थी ये? 100-100 तोले की चूड़ी थी। अच्छा। मंगलवार को IBL पब्लिक स्कूल के प्रांगण में खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मंच संचालन श्रीमती रूबी ने किया। प्राचार्य श्रीमती गीता राठी ने अभिभावक गण का अतिथि देव भव रीति से स्वागत किया। खुली प्रतियोगिता में होने वाली प्रतियोगिताओं व खेलों के बारे में अवगत कराया गया। विज्ञान गणित प्रयोगशाला और पुस्तकालय आदि का दौरा कराया गया। प्रतियोगिता में रंग भरो कविता वाचन, चित्र वर्णन, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी और अभिभावकों हेतु कुर्सी दौड़, तबोला खेल रखे हुए थे। पब्लिक स्कूल में एक ओपन कंपटीशन था जिसमें पेरेंट्स और हमारे नए बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। एज ग्रुप के अकॉर्डिंग वो कंपटीशन था जिसमें कलरिंग का था 3 साल के बच्चों के लिए, जिसमें पोएम रेसिटेशन था, जिसमें पिक्चर कंपोजिशन था। पेरेंट्स के लिए थे तंबोला और म्यूजिकल चेयर। तो हमारे पेरेंट्स ने बहुत अच्छे से इसमें भाग लिया, सब लोग खुश भी रहे, बच्चों का कॉन्फिडेंस और उनका टैलेंट भी सामने आया।
पानीपत में 25 अप्रैल को सिविल अस्पताल के प्रांगण में मलेरिया दिवस मनाया जाएगा। इस विषय को लेकर मंगलवार को डॉक्टर शशि गर्ग ने सभी हेल्थ निरीक्षक व स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली और उसमें आवश्यक हिदायतें जारी की। याद रहे कि पानीपत हमेशा से मच्छरों की भरमार को लेकर संवेदनशील रहा है, क्योंकि पानीपत इंडस्ट्रियल एरिया होने के कारण यहाँ पर घनी आबादी है और सफाई का समुचित प्रबंध न होने के कारण पानीपत जनपद में मलेरिया डेंगू जैसे संक्रमित रोगों का प्रकोप बना रहता है। यही कारण है कि मलेरिया विभाग ने कसम कि मच्छर को पैदा ना होने दिया जाए। पर्पस हेल्थ सुपरवाइजर्स की मंथली मीटिंग थी, रिव्यू मीटिंग, जिसमें हम प्रोग्राम को रिव्यू करते हैं। वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल का प्रोग्राम है, क्योंकि मलेरिया का ट्रांसमिशन सीजन हमारा मई से शुरू हो जाता है और उसके बाद हमारा डेंगू का ट्रांसमिशन सीजन रहता है। तो वर्कर्स को एक बार सेंसिटाइज करना पड़ता है और 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाना है, जिसके विषय में मुझे इन लोगों के साथ बात करनी थी। इनमें मेन इंस्ट्रक्शन मैंने ये दिया है कि जो मलेरिया का केस पॉजिटिव पाए जाने पे जो रेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, एक तो स्लाइड सेम डे एग्जामिन हो जाए, विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर स्लाइड एग्जामिन हो जाए और उसी दिन उसको दवाई शुरू की जा सके ताकि और लोगों को वो ना फैला सके। ये खांसी या छींक के द्वारा नहीं फैलता है। मंगलवार को आरएपीजी कॉलेज में नॉन मेडिकल व बीएससी के छात्रों के लिए फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया। पार्टी में छात्रों ने खूब मनोरंजन किया। कॉलेज में उपस्थित सभी छात्र छात्राओं ने इस फेयरवेल पार्टी में नाच गाना व रैंप वॉक प्रस्तुत कर सभी का मन जीत लिया। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने जहां इस विदाई पार्टी के अवसर पर छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी, वहीं उन्होंने कहा कि अपने 3 वर्ष के समय में छात्रों ने विभिन्न खेल क्रीड़ाओं के द्वारा कॉलेज का नाम देश में रोशन किया है। कॉलेज में बीएससी नॉन मेडिकल और बीसीए के स्टूडेंट्स को फेयरवेल देने के लिए गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज की गई है। इसका पर्पस जो है वो यही कि जो बच्चे कॉलेज में 3 साल लगा करके पास आउट होकर के जा रहे हैं, उन्हें महाविद्यालय परिवार की ओर से बेस्ट विशेष दी जाए। हरियाणा प्रदेश बहुजन समाज पार्टी व LSP ने लोकसभा चुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुनाव मैदान में बड़ी पहल कर दी है। इन 6 नामों में 5 बसपा, 1 LSP का उम्मीदवार है। LSP कोटा से भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से रमेश राव पायलट को टिकट दी गई है। वहीं भाजपा कोटे से मंदिर मान फरीदाबाद, सुरेश शर्मा हिसार, नरेश सारण अंबाला, कृष्ण पंचाल रोहतक व पंकज चौधरी करनाल से प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। सिटी तेलका न्यूज के इस अंक में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। खबरें ऐसी जो आपको जोड़े राजनीति से, खेल कूद से, व्यापार से, ज्ञान विज्ञान और संविधान से। खबरें ऐसी जो आपको जोड़े सामाजिक सरोकारों से। खबरें ऐसी जो आपको सावधान रखे अपराधों से, घटनाओं से, गुनाहों से। हर खबर का असर, आपका भरोसा ही हमारी पहचान। एक साल बेमिसाल सिटी तहलका सच के साथ।